हाय फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टेक। फ्रेंड, हम आज की वीडियो में बताएंगे महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा जो भी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट और जो एमए एमएससी एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, उन सभी छात्रों के लिए मिड टर्म एग्जाम टाइम टेबल जारी कर दिया गया। फ्रेंड, आज की वीडियो में यही जानेंगे कालजों में जो मिड टर्म एग्जाम टाइम टेबल जारी किया गया है। मिड टर्म एग्जाम आप सभी लोग जो भी मार्कशीट में नंबर कितने ऐड होते हैं मिड टर्म एग्जाम से, तो फ्रेंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से ऐसी ही आप सभी लोग को इन्फॉर्मेशन की वीडियो हमेशा आप सभी लोग को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। फ्रेंड, जो भी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के बी ए बी एस सी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट और जो भी एम ए एम एस सी एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, उन सभी छात्रों का जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस बार एग्जाम होगा और एडमिशन वगैरह भी सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो फ्रेंड, जो भी छात्र मिड टर्म एग्जाम, आप सब जो भी एग्जाम होंगे हर एक सेमेस्टर, उससे पहले मिड टर्म एग्जाम होगा जिसमें 5 पर, तो फ्रेंड टोटल जो कि 25 नंबर होगा, जो कि 15 नंबर रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, 5 नंबर असाइनमेंट हो गया और 5 नंबर अटेंडेंस पे होगा जो कि आप सब एग्जाम से पहले होगा। तो फ्रेंड अधिकतर जो भी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी कॉलेज है सभी छात्रों सभी कॉलेजों से जो कि मिड टर्म एग्जाम टाइम टेबल जारी कर दिया। जैसे फ्रेंड आप पीडीएफ में देख सकते हैं शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया, जिसमें दिया गया समस्त विभागाध्यक्ष समनों को निर्देश किया जाता है कि स्नातक प्रथम तृतीय एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के मिड टर्म सेशनल टेस्ट दिनांक 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया गया। कक्षाओं में संचालित हो रहे कक्षाओं को दृष्टिगत मिड टर्म टेस्ट अपराह्न 1 बजे से ही कराया जाएगा। टेस्ट संपन्न कराने के लिए उपरांत अंक पत्र पर उपस्थिति सूची विभाग में 3 दिन के अंदर आवश्यक रूप से जमा कर दी जाएगी। तो फ्रेंड, जो भी आप सभी लोग मिड टर्म एग्जाम होगा, एग्जाम जो कि आप सभी लोग 15 नंबर के एग्जाम होगा, जो कि आप सभी लोग का ये नंबर आपके मार्कशीट पे ऐड होगा, क्योंकि फ्रेंड अब जो भी रिटर्न एग्जाम होगा 75 नंबर के आप सभी लोग का रिटर्न एग्जाम होगा, 25 नंबर जो कि 15 नंबर मिड टर्म एग्जाम, 5 नंबर अटेंडेंस, 5 नंबर असाइनमेंट पे होगा हर एक सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड जो भी आप सभी लोग अपने कॉलेज में जरूर पता कर लें कि मिड टर्म एग्जाम कब होंगे, उसकी टाइम टेबल नोटिस वगैरह हमेशा देखते रहें, क्योंकि फ्रेंड अगर आप सभी लोग किसी कारण से मिड टर्म एग्जाम वगैरह छूट जाता है तो जो भी नंबर ऐड होना होता है नंबर नहीं ऐड होगा, जिसकी वजह से आप सभी लोग एक या दो सब्जेक्ट में फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम होने की वजह से 25 नंबर में आप सभी लोग मान लीजिए 18 से 20 नंबर भी पा जाते हैं, तो आप सभी 75 में 25 नंबर ही लाना होगा पास होने के लिए। तो फ्रेंड एक बार अपने कॉलेज में अवश्य पता कर लें कि आप सभी लोग मिड टर्म एग्जाम कब होंगे, क्योंकि फ्रेंड जो मिड टर्म एग्जाम होता है जो कि मेन एग्जाम से पहले ही हो जाता है। जैसे फ्रेंड मान लीजिए आप सभी लोग के एग्जाम 20 दिसंबर से होंगे, तो 20 दिसंबर से पहले आप सभी लोग का मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे ही आप सभी लोग अदर कॉलेज में पता कर, जैसे फ्रेंड मऊ के भी कुछ कॉलेज है जिन जहाँ भी मिड टर्म एग्जाम हो, जैसे फ्रेंड यहाँ पे छठिया में एक कॉलेज है राधेव कृषक पीजी कॉलेज, वहाँ भी मिड टर्म एग्जाम वगैरह चल रहे हैं। जो भी आजमगढ़ यूनिवर्सिटीज लगभग कुछ 200+ कॉलेज अपलिएट है जिसमें 70 से 80% कॉलेजों में मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं। तो फ्रेंड आप सभी लोग अपने कॉलेज में जरूर पता कर लें, अगर आप सभी लोग किसी रीजन से मिड टर्म एग्जाम नहीं देते हैं जिसकी वजह से आप सभी मिड टर्म एग्जाम का नंबर आप सभी लोग को मार्कशीट पर नहीं ऐड होगा और आप सभी लोग परसेंटेज बहुत खराब आने के चांसेस है, फेल भी हो सकते हैं आप सभी छात्र, तो इसलिए अपने कॉलेज में जरूर पता कर लें मिड टर्म एग्जाम कब होगा। मिड टर्म एग्जाम के होने के बाद फ्रेंड असाइनमेंट जो कि एक टॉपिक दिया जाता है, फाइल में आप 10 से 15 पेज जो कि लिखना होता है उस पर आपको लिख के कॉलेज में जमा करना होता है, उस पर भी नंबर दिया जाता है और अटेंडेंस वगैरह भी 5 नंबर है। तो फ्रेंड अटेंडेंस वगैरह आप मान लीजिए 70 से 80% आया तो 3 से 4 नंबर मिलते हैं, और वैसे अगर आप क्लास वगैरह नहीं करते प्राइवेट कॉलेज में फिर भी वहाँ नंबर मिल जाते हैं अटेंडेंस पे, फिर भी जैसे शिबली नेशनल डीएबी पीजी कॉलेज वगैरह में अटेंडेंस पे आप सभी लोग 5 नंबर मिलते हैं, जो कि रजिस्टर में डेली अटेंडेंस क्लास करने जो भी स्टूडेंट जाते हैं अटेंडेंस जो कि नोट होता है कितने स्टूडेंट ने क्लास कर रहे हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की छोटी बड़ी जो भी न्यूज होती है, नोटिस होती है, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना, टाइम टेबल कब आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, सभी की इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे ही चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।